कांतारा महिमा भाग 8। अपनी 10 साल की बेटी कीर्ति, जो खटिए पर एक अनजान सी बीमारी से जूझ रही थी, उसके माता पिता वीर और सुजाता उसे देख चुपचाप आंसू बहा रहे थे। उन्हें यूं रोता हुआ दुखी देख कीर्ति बोली, माँ बाबूजी आप क्यों रो रहे हो? रोएंगे नहीं तो और क्या करेंगे बेटा, तुम्हें इतना लाड़ प्यार से पाला पोसा, जितनी हैसियत है उतने में पढ़ाकर, किसी योग्य वर के हाथ तुम्हारा हाथ देकर, जहाँ तुम्हारी विदाई करनी चाहिए थी वही तुम हमें जहर देकर मारने के लिए कह रही हो। माँ मुझे कौन सी बीमारी लगी कोई नहीं जानता, इसके इलाज में खेत को बेच डाला, जिससे भी कर्ज मिला ले लिया, अब आप दोनों के पास और कुछ भी तो नहीं बचा ना। बेटा तुम्हारी जान बचाने के लिए हम खुद की जान भी दे दें। मैं जानती हूँ कि मुझे बचाने के लिए आप कितनी कोशिशें कर रहे हो, कितनों के आगे हाथ पैर जोड़ रहे हो, पर भगवान ने मेरी जीवन रेखा इतनी बड़ी नहीं लिखी कि मैं आप दोनों के साथ और जी पाऊँ। उन्होंने आधे में ही मेरी रेखा खत्म कर दी, इसलिए मैं आधे में ही आपको छोड़कर जा रही हूँ। भावुक होकर कीर्ति के आंखों में आंसू निकल आए। कीर्ति के ऐसा कहते ही वीर और सुजाता जोर से रो पड़े। उनके रोने की आवाज सुन पड़ोस में रहने वाली शारदा घबरा गई। हे भगवान, पड़ोस की सुजाता के घर से रोने की आवाज आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बीमार कीर्ति चल बसी। हे भगवान सुजाता को पहाड़ जितना दुख दिया है। ये सोचकर शारदा तुरंत ही उनके घर जा पहुंची। बिस्तर पर लेटी रोती हुई कीर्ति को जिंदा देखकर शारदा की जान में जान आई। शारदा को देख कीर्ति ने बोला, क्या हुआ मासी? माँ बाबूजी को इस तरह रोता हुआ सुनकर तुम्हें ये लगा ना कि मैं चल बसी, इसलिए दौड़कर मुझे देखने आई हो ना? अपने बहते आंसू को रोकने की कोशिश करती हुई शारदा ने सुजाता से कहा, वीर भैया सुजाता क्यों रो रहे हो? अपने आंसू पोंछ लो, यूं तुम दोनों को रोता हुआ देखेगी तो कीर्ति पर क्या गुजरेगी, आपको इतना तो समझना होगा ना। हाँ मासी, इन्हें ऐसे समझाओ, मेरे जाने से मेरे साथ आपको तो दुख होगा ही, पर दुख के बिना जिंदगी भी तो नहीं होती ना, और मृत्यु के बिना जीवन भी नहीं, इस सत्य को जान लो बाऊजी। बेटा हमें इतना ज्ञान कहाँ है, हमारी जिंदगी, हमारे घर की रोशनी, हमारा ज्ञान, हमारी खुशी सब तुम ही हो। तुम्हारे बच्चों के साथ तुम्हें खेलते देख हमारी चिता तुमसे लगवानी थी, वहीं पर अपने हाथों से तुम्हें मारकर तुम्हारी चिता को आग लगाने का दुर्भाग्य पाया है। माँ ये मेरा भाग्य होगा, मैं इस बीमारी को और नहीं सह पा रही माँ, मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, जैसा मैं कहती हूँ ऐसा करो माँ, यही मेरी आखिरी इच्छा है, कम से कम मरने से पहले मेरी एक ख्वाहिश पूरी हुई, इस खुशी से मर जाऊंगी। ये कहती हुई जब कीर्ति रो रही थी तब सुजाता और वीर का दर्द और भी दुगना हो गया। सुजाता को इस बात का दुख बहुत था, पर कीर्ति की आखिरी इच्छा के बारे में उसे कुछ नहीं पता था, इसलिए उसने वीर और सुजाता से कहा, वीर भैया सुजाता अब रोना बंद करो और कीर्ति बिटिया की इच्छा को पूरा करो, उनके आखिरी पलों में उनकी इच्छा को पूरी करने पर ही तो मरने के बाद उन्हें मोक्ष मिलता है, वो सीधे भगवान के घर ही पहुंचते हैं। हाँ मासी माँ बाबूजी को समझाओ। शारदा ने अनजाने में जो कह दिया था उसे सुनकर सुजाता और वीर और भी रो पड़े, वो किसी भी पल मर सकती थी, ऐसे में बेटी की आखिरी इच्छा उसके माता पिता क्यों पूरा नहीं कर रहे, ये बात शारदा की समझ में नहीं आई। वो हैरान होकर उन्हें देखती हुई बोली, सुजाता अब बस भी करो रोना, सबसे पहले कीर्ति की आखिरी इच्छा तो पूरी करो, पैसों की जरूरत हो तो बताना मैं इंतजाम कर दूंगी। दीदी शारदा कीर्ति की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए पैसों की नहीं हिम्मत की जरूरत है, अगर वो हिम्मत तुम में है तो उसकी इच्छा तुम ही पूरा करो। अपनी माँ सुजाता को ऐसा कहते हुए सुनकर कीर्ति ने शारदा से कहा, हाँ शारदा मासी मेरी आखिरी इच्छा तुम ही पूरा करो, माँ ने सही कहा, क्योंकि मेरे स्कूल से आने के बाद माँ और बाऊजी जब रात तक घर नहीं आते थे
तो तुम ही तो माँ की तरह मेरी देखभाल करती थी ना। अगर मेरी आखिरी इच्छा तुमने पूरी की तो मुझे उतना ही अच्छा लगेगा। अरे हाँ बेटा, जरूर, मैं जरूर तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी करूंगी। बताओ बेटा, तुम्हें क्या खाने का मन कर रहा है या तुम्हें कुछ पीना है? बताओ, मैं चुटकियों में बना कर लाऊंगी। शारदा मासी, सुना है जंगल में पूर्वी दिशा में एक पेड़ है जिसके विषारी पत्ते हैं। तुम उन पत्तों को लाकर उसे महीन घिस कर उसका रस मुझे पिला दो मासी। जैसे ही कीर्ति ने ये बात कही, शारदा के पैरों तले जमीन खिसक गई, वो निशब्द हो गई। सुजाता और वीर धाए धाए रोए जा रहे थे। कुछ देर बाद शारदा ने वीर और सुजाता को समझाया। वीर दबे पांव से जंगल पहुंचा। वो आंसू बहाते हुए उस पेड़ को ढूंढने लगा। फिर उसे कहीं वो पत्ते दिखाई दिए। वो उन्हें तोड़ने के लिए जैसे ही उसके पास गया तो भगवान पंजरली वहां प्रकट हो गए। उन्होंने जोर से गूंज लगाई। वीर अचानक घबरा गया। तब भगवान पंजरली ने वीर के हाथ में एक मूली दी और कहा कि उसे कीर्ति के हाथ में बांधे। इतना कहकर वो गायब हो गए। वीर बड़ा खुश होकर अपने घर पहुंचा। उसने अपनी पत्नी सुजाता से जंगल में दर्शन दिए, भगवान पंजरली के बारे में बताया और मूली दिखाई। हमें भला क्या पता कि किस मूली में क्या शक्ति है। भगवान पंजरली ने दी है तो जरूर कुछ खास होगा। जल्दी से इसे बांध दीजिए। वीर ने उस मूली को कीर्ति के हाथ में बांधा, पर मूली के बांधते ही कीर्ति ने अपनी आंखें मूंद ली। माता पिता की समझ में नहीं आया। उसकी धड़कनें चल रही थी। बुलाने पर कीर्ति आवाज भी दे रही थी। कुछ देर बाद कीर्ति झट से बिस्तर से उठकर ऐसे बैठी जैसे उसे कोई बीमारी थी ही नहीं। उस दिन से उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने नित्य भगवान पंजरली की पूजा करनी शुरू की। कनकपुर नाम के गांव में रामानुज नाम का एक जमींदार रहता था। उसकी पत्नी का नाम पार्वती था। इस जोड़े की 6 साल की एक बेटी भी थी। उसका नाम नंदिनी था। सहायता की आस रखे जो भी उसके दर पर आता, रामानुज मना किए बिना उनकी सहायता करता था। एक दिन वे सभी कार में बैठे मंदिर जा रहे थे। अरे, कार के ब्रेक्स फेल हो गए। क्या कहा आपने? हे भगवान, अब क्या करेंगे? अरे, आगे एक मोड़ आ रहा है। जल्दी से कुछ करिए ना, वरना हम मर जाएंगे। जल्दी से नंदिनी को कार के बाहर फेंको। ये अब क्या कह रहे हो? पार्वती, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। कम से कम अपनी बेटी की जान बचनी चाहिए। पार्वती ने आंसू बहाते हुए हाथों से उठाकर अपनी बेटी को कार से बाहर फेंका। नंदिनी को कार से बाहर फेंकने के बाद इतने में रामानुज की कार पर्वत की चोटी पर नियंत्रण खो बैठा और ऊंचाई से खाई में गिर गया। इस हादसे में रामानुज और पार्वती जलकर खाक हो गए। गांव वालों को जैसे ही इस दुर्घटना के बारे में पता चला, वे सभी तुरंत उस घटना स्थल पर पहुंचे, पर रामानुज और पार्वती के शव का एक निशान भी नहीं बचा था। गांव वालों ने समझा कि पार्वती और रामानुज के साथ उनकी बेटी नंदिनी भी चल बसी होगी। वो इस बात से अनजान थे कि वो जिंदा है। फिर कुछ दिनों बाद रामानुज के भाई चंदू ने अपने भाई की पूरी जायदाद अपने नाम कर ली। कार की खिड़की से गिरी हुई नंदिनी का ड्रेस एक पेड़ की टहनी से फंस गया, जिससे वो लटकी रही। उसी गांव में एक गरीब लकड़हार रहता था। हर रोज की तरह वो लकड़ी तोड़ने के लिए जंगल में गया तो उसने पेड़ से लटकती हुई नंदिनी को देखा और तुरंत उसे पेड़ से उतारा, वो अपने घर ले गया। बेटा, कौन हो तुम? क्या हुआ था तुम्हारे साथ? कहाँ रहती हो? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। आप कौन हो? याद करने की कोशिश करो बेटा, तुम जंगल में कैसे आई? मुझे नहीं पता। अरे अरे, रहने दो, तुम्हें भूख लग रही होगी ना? मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ, तब तक तुम थोड़ा आराम कर लो। गंगाराम जंगल की ओर चल पड़ा। उस नन्ही सी बिटिया पर दया आई तो मैंने कह दिया कि मैं खाने के लिए कुछ ले आऊंगा, पर मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं। गंगाराम की समझ में नहीं आ रहा था कि वो उस लड़की के लिए क्या करे। वो तुरंत ही भगवान पंजरली के पास चला गया। हे भगवान, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, उस मासूम लड़की की मदद कर दो। अचानक कुछ याद आया। अभी मैंने उस लड़की के गले में सोने की चैन देखी, उस चैन को बेचकर उस बिटिया के लिए कुछ खाने की चीज लाऊंगा। ना जाने किस अभागिन माँ की बेटी है।
ऐसा ठान कर गंगाराम घर वापस गया और नंदिनी के गले से सोने की चैन निकाली। वो उसे बेचने के लिए जा ही रहा था कि रास्ते में उसका सामना कुछ चोरों से हुआ। चुपचाप अपने पास रहे पैसे हमें दे दो वरना मार डालेंगे। मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। घर पर एक मासूम सी लड़की भूख से तड़प रही है। बस उसके खाने के लिए ही कुछ ले जाने इतनी दूर आया हूँ। जो भी हमारे हाथ लगता है वो यही रोना रोता है। चुपचाप पैसे हमें दे दो। मैं भगवान की कसम खा कर कहता हूँ मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं। लगता नहीं ये बुढ़ाओ मानेगा। इसे मार कर इसके पास से पैसे छीन लो। उन चोरों ने छुरी निकाली और गंगाराम के सीने में भोंक कर उसे मार डाला और वहाँ से भाग निकले। जैसे ही सोने पर चोरों का हाथ पड़ा घर पर रही नंदिनी नींद से जागी। माँ पापा कहाँ हो आप दोनों? माँ मुझे भूख लगी है। पापा मुझे डर लग रहा है। आओ ना मुझे उठा कर अपने साथ ले जाओ ना। वो बहुत देर तक रो कर आवाज देने लगी पर जब कोई नहीं आया तो घर के एक कोने में चुपचाप बैठी रोने लगी। फिर अचानक नंदिनी को याद आया कि उसके माता पिता नहीं रहे और वो जोर जोर से रोने लगी। इतनी प्यारी मासूम और सुंदर दिखने वाली नंदिनी पागल सी हो गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कहाँ जाना है। उधर रामानुज के भाई चंदू को पुलिस स्टेशन में बुलवाया गया था। नमस्कार सर, आपने मुझे बुलवाया। हाँ आइए चंदू जी, आपके भाई और भाभी के साथ जो हादसा हुआ उसका हमें बहुत दुख है। आप सभी ने ये सोचा कि उनके साथ उनकी बेटी भी चल बसी होगी, पर हमें फोरेंसिक रिपोर्ट में बेटी के कोई अंश नहीं दिखे। जहाँ तक हमारा मानना है उनकी बेटी जिंदा ही होगी। क्या कहा? सच? आपने सच में बहुत अच्छी खबर सुनाई है। मैं आपका ऋणी रहूँगा। पर वो कहाँ होगी सर? इतने में कांस्टेबल किसी चोर को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आया। सर ये एक चोरों का गिरोह है। सुना है जंगल में आने जाने वालों को मार कर उनसे पैसा और सोना लूट लेते हैं। और सर ये रहे वो गहने जो हमने इनसे बरामद किए हैं। सर ये तो मेरी भतीजी का ही नेकलेस है। मेरे भैया और भाभी ने बड़े प्यार से उसके जन्मदिन पर ये खास नेकलेस बनवाया था। अगर ये नेकलेस इन्हें मिला है तो जरूर ये मेरी भतीजी को जानते होंगे। सुनो चुपचाप बता दो कि तुम्हें ये नेकलेस कहाँ मिला वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। सर जंगल में हमें कोई मिला तो हमने उसे मार कर उसे छीन लिया ये चैन। कौन था वो? कह रहा था कि कोई भूख से तड़प रहा है तो उसी के लिए खाना ले जाना है। हमें लगा वो झूठ कह रहा होगा इसलिए हमने उसे मार कर छीन लिया चैन। इंस्पेक्टर जी जरूर वो आदमी मेरी भतीजी के बारे में ही कह रहा होगा। चलिए सर जल्दी वहाँ चलते हैं। फिर पुलिस ने उन चोरों से पूछकर जान लिया कि जंगल के किस रास्ते पर उन्होंने गंगाराम को मारा था। उन्हें गंगाराम का शव मिल गया। पुलिस और चंदू ने मिलकर आसपास की सारी जगह छान मारी। कुछ दूर जाने के बाद चंदू ने देखा कि नंदिनी बेहोश होकर एक पत्थर पर पड़ी है। पर वो पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं था बल्कि गाँव वाले पूरी श्रद्धा से जिस पंजरली भगवान की पूजा करते थे वो वही था। भगवान पंजरली जी आपने ही मेरी भतीजी की जान बचाई, धन्यवाद। चाचा चंदू ने नंदिनी को घर ले गया। उस दिन से चंदू ने ही नंदिनी के माता पिता की कमी को पूरी की और उसकी अच्छे से परवरिश करने लगा।